तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28 में एक वॉल है जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ हैवी वॉल मूविंग टुवर्ड्स अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। लो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो एक बॉल है, एक बॉल मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, सामने से एक वॉल आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। टक्कर के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी वी हो गई, इसको कोई फर्क ना पड़ा, हैवी वॉल है, ये U1 मान लो, ये U2 मान लो, ये V1 मान लो और ये V2 मान लो, और कोई मास नहीं गिवन, तो इलास्टिक कोलिजन गिवन है। इलास्टिक कोलिजन में अगर मास ना गिवन हो तो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, V2 माइनस V1, U1 माइनस U2। इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है, V2 की जगह बोलो क्या पुट करें, +1 की -1, -1 क्योंकि लेफ्ट की वेलोसिटी है, तो V2 की जगह -1, V1 की जगह -V, लेफ्ट की तरफ है -V, U1 की जगह 2 और U2 की जगह -1। निकाल लेना V, निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, जो लेफ्ट की वेलोसिटी है वो नेगेटिव, जो राइट की वेलोसिटी है वो पॉजिटिव। आंसर ठीक है, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव आंसर। तो नेक्स्ट ठीक है, हैवी वॉल है ना मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1, मैंने डायग्राम बनाया नहीं, बॉल भी और दीवार भी, हाँ बॉल भी। तो नेक्स्ट है, ये सेकेंड नहीं करना, ये 2D की प्रॉब्लम है, 2D है, सेकेंड नहीं करना आपने, ये करना है थर्ड करना है। थर्ड थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं कोई छोटे मतलब मेथड से कर पाता है नहीं कर पाता, देखते हैं, तभी मैंने ये असाइनमेंट खुलवाई है। प्रॉब्लम बताया कि आइडेंटिकल बॉल सुन के मैं खुश हो गया, मैंने कहा वेलोसिटी चेंज कर देंगे, बाद में क्या पूछता रेस्टिट्यूशन कितना है, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, ई पूछ रहा है ना, और वो भी 1 ऑप्शन में नहीं है, तो इलास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, इनइलास्टिक है, तो सोचना भी मत कि आंसर दें कि सर वेलोसिटी चेंज होएंगी, नहीं होएंगी, सोचा मैंने भी यही था पहले। तो क्या क्वेश्चन है, बॉल जिसका मास ms, स्पीड v है, हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, तो बना लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉल्स, आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉल्स, बॉल नहीं बॉल्स दोनों, इज 3/4 द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है क्या है। तो ऐसे करते हैं, इसमें ये बनाते हैं कि एक मास एम है मूविंग विद वी, आइडेंटिकल है, तो ये किस पे है, एट रेस्ट, तो U2 क्या है 0, फिर आफ्टर कोलिजन मान लो इसकी वेलोसिटी V1 है, मान लो इसकी वेलोसिटी V2 है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें 100% लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, लगाएं m into v प्लस 0 m into v1 प्लस m into v2, तो यहाँ से v1 प्लस v2 की वैल्यू क्या आ गई v, सही है, पहला पॉइंट क्लियर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट,
इसमें क्या लगेगा, रेस्टिट्यूशन का लग सकता है। लेकिन उससे पहले एक और स्टेटमेंट गिवन है उसने दी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी, क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर, थ्री फोर्थ ऑफ इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है। दोनों बॉल्स की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है थ्री फोर्थ ऑफ इनिशियल एनर्जी है, तो यहाँ से हाफ एम हाफ एम हाफ एम कैंसल, वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, थ्री बाय फोर इंटू वी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको ई निकालना है, वी टू माइनस वी वन बाय यू वन माइनस यू टू, पर आपको वी टू माइनस वी वन चाहिए होगा, अगर आपको ई निकालना है आपको वी टू माइनस वी वन चाहिए, वन बाय रूट टू, कैसे वी वन माइनस वी टू कैसे आया, कैसे ई का फॉर्मूला वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, तो रेस्टिट्यूशन निकालना है तो वी टू माइनस वी वन कैसे आया, ले लिया, फिर आगे मैंने भी लगाया, ये आया, वैल्यूज आ गई, बुरा तो नहीं है, ठीक है मेथड, ठीक है। मैं आपको दो, फिर तो मैं दो मेथड सिखा दूंगा, अभी पहले अपना मेथड जो मैंने आज यूज़ किया वो देख लेता हूँ, फिर आपका देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें मैंने तो ऐसे किया कि मैंने V1 प्लस V2 पता है, ये भी पता है, तो मैंने क्या किया, V1 माइनस V2, या फिर सबसे पहले एक और काम करते हैं, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2। तो मैंने V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट कर दी, V1 प्लस V2 की क्या है, V स्क्वायर, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 3 बाय 4 वी स्क्वायर, तो मेरे पास 2 वी वन वी टू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई वी स्क्वायर बाय 4, तो वी वन वी टू की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाय 8। मैंने तो पहले ये कर लिया, ठीक है, कुछ मतलब लग ही रहा था वी वन, और अब मैं वी वन माइनस वी टू का फॉर्मूला लगा लूँगा। अब मैंने इसमें ये फॉर्मूला लगा लिया, इसमें ऐसे किया मैंने, मैंने कहा v1 वन माइनस वी टू का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, v1 वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर माइनस फोर वी वन वी टू, सही लिखा है, ऐसे होता है मैथ्स में। तो मैंने v1 वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 वन प्लस वी टू की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, v, और 4 इंटू वी वन वी टू कितना गिवन है, वी स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ से वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2, जो कि सॉल्व करके वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक, वो तो चेंज कर देंगे कोई बात नहीं, तो वहाँ से अगर चेंज कर देंगे तो भी चलेगा, तो वी टू माइनस वी वन ले लो, चलो कोई बात नहीं, तो वी बाई रूट टू निकाल लिया मैंने। तो यहाँ से जब ये वैल्यू आ गई तो मैंने इसमें रेस्टिट्यूशन का मेथड लगाया, v2 टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू। अब क्योंकि v2 टू माइनस वी वन मैंने निकाल लिया v बाई रूट टू, और u1 की वैल्यू तो v गिवन है, u2 टू जीरो, तो आंसर कितना आ गया, 1 बाई रूट टू इज आंसर, वो ज़्यादा छोटा है। चलो वो भी डिस्कस कर देता हूँ, ये कह रही है कि काम करो इसमें, कोई बात नहीं वो भी डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद छोटा मेथड है, छोटा मेथड भी देख लेते हैं, मैंने किया नहीं, मैं लगा के देख लेता हूँ एक बार, यहाँ तक क्लियर है पहले देख लो, सही है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कह रही है काम करो, यहाँ पे ये लो। तो पहली क्वेश्चन हमारे पास थी मोमेंटम कंजर्वेशन,
मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर आया था वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू वी, ये आंसर आया था। ये कहती है एक काम करो, वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू डायरेक्टली ही लगा लो, तो ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी माइनस जीरो। तो सॉल्व करके वी टू माइनस वी वन क्या आ गया, ई इन टू वी, ठीक है। तो ये कह रही है इसी को सॉल्व कर लो, वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू वी और वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ई इन टू वी, सही लग रहा है, कट गया। 2 इंटू वी टू की वैल्यू क्या आ गई, e प्लस वन इंटू वी, ऐड कर लिया तो v2 की वैल्यू आ गई e प्लस वन इंटू वी बाई टू, सही है। v2 को ऊपर की इक्वेशन में पुट करके सिमिलरली क्या आ गया, v1 आ गया, v1 आ गया, फिर रेस्टिट्यूशन में पुट कर दो v2 टू माइनस वी वन बाई वी माइनस जीरो, यहाँ पुट करके आंसर आ गया। ऐसे ही ऐसे कुछ हुआ, हाँ, तो v2 v1 से सॉल्व करके यहाँ पुट करके आंसर, पूरा नहीं है, ज़्यादा अच्छा है, हाँ ऐसे कर लो, v1 को v2 की टर्म में पुट कर दो तो पुट कर दो, ये भी सही है। चलो मेरे को लगता है ये मेथड ज़्यादा बेटर है, ये मेथड प्रैक्टिकल है, आप इन्हीं से सॉल्व कर लोगे, v1 v2 निकाल के रेस्टिट्यूशन आ जाएगा, ये ज़्यादा ठीक है, ये लंबा हो जाएगा। देखो ये पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये रेस्टिट्यूशन है, सेकेंड इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके v1 v2 निकाल लो, ठीक है, ट्राई कर लेना, v1 v2 आ गया, फिर रेस्टिट्यूशन में वैल्यू पुट कर देना v1 v2 की, आंसर अपने आप ढूंढ लेगा, उसको ढूंढ कुछ कर लेने दो, अपने आप कर लेगा। ओके, इन दोनों को सॉल्व करके v2 माइनस v1 चाहिए था, v2 माइनस v1 चाहिए, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू आ गई, v2 प्लस v1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से v1 एंड v2 निकाला जा सकता है, मैंने v2 निकाल लिया, वहाँ से रेस्टिट्यूशन को निकाला जा सकता है, खुद करेंगे स्टूडेंट उसको खुद, तुम्हारा आ गया ना, लोगों को ट्राई करने दो, उनको कुछ रास्ता पता लग गया, वो कुछ कर लेंगे, ढूंढने वाला जिंदगी में कुछ तो ढूंढ ही लेगा,